हरियाणा का एक राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सर चैंपियन आज पैसों की तंगी से जूझ रहा है। अपना घर चलाने के लिए वो आज अपने पिता के साथ कुल्फी बेचने को मजबूर है। बॉक्सिंग की रिंग में बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ाने वाला हरियाणा के भिवानी का राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सर चैंपियन दिनेश कुमार आज पैसों की तंगी के चलते पिता के साथ कुल्फी का ठेला लगाने को मजबूर है। बॉक्सिंग में चोट लगने के चलते उसके पिता और भाई ने उसके इलाज के लिए लोगों से उधार लिया, लेकिन अब तक लोगों से लिया उधार चुका नहीं पाए और ब्याज भी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही अब चोट के चलते दिनेश खेल भी नहीं पा रहा। दिनेश का कहना है कि उसने खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हरियाणा को 17 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल दिलाए। मेरे 17 गोल्ड है, मेरे बॉक्सिंग कैरियर में 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जी, और मेरे पापा ने बहुत हार्ड वर्क किया है मेरे ऊपर। मुझे बाहर देश विदेश भेजने के लिए, कैंप्स में या टूर्नामेंट के लिए उन्होंने काफ़ी कर्जा हो गया है, जिस कर्जे को चुकाने के लिए मुझे पापा के साथ कुल्फियाँ बेचनी पड़ रही है। मुझे अभी तक किसी भी सरकार ने कोई सहायता नहीं की है, ना ही तो पिछली जो सरकार गई उसने और ना जो अब है, कोई सरकार की तरफ से मुझे कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। केंद्र और हरियाणा सरकार चाहे खिलाड़ियों के लिए कितनी बड़ी बड़ी खेल नीति बनाने का दावा करे, लेकिन दिनेश कुमार की इस हालत से ये दावे अब सिर्फ हवा हवाई ही साबित हो रहे हैं।